जय मसीह की दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक और नए प्रकाशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और हम सब जानते हैं कि यूँ तो बाइबिल हम बहुत बार पढ़े होंगे यही सब वचन, लेकिन हम जानते हैं कि जितनी भी बार पढ़ते हैं हम उसी बात को नया नया प्रकाशन परमेश्वर से मिलता है। तो एक चौंकने वाली बात, एक समझने वाली बात और ख़ास ध्यान देने वाली बात जो परमेश्वर चाहता है आज आप और मैं गहराई से समझें और जानें, वो क्या बात है, उसके लिए मैं पहले वचन में से पढ़ूंगी। सभी विश्वासी भाई बहन इसको सुने और समझे कि क्या बात लिखी है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ आज बात करी जा रही है कुछ बातें जिससे परमेश्वर पसंद नहीं करता, जिससे प्रभु नफरत घृणा करता है। क्या हैं वो बातें? नीति वचन 6 अध्याय और उसके 16 वचन से मैं आपके सामने बताऊँगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, 6 वस्तुओं से परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 हैं जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जी और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। नीति वचन में ये बातें बता रखी हैं, 6 वरन कह रहा है 7 हैं जिनसे प्रभु को नफरत है, घृणा है, घृणित बातें हैं ये सब हमने पढ़ी। लेकिन खास जिस बात पर प्रभु ध्यान दिलाना चाहता है, जो बात एक अद्भुत है, वो क्या बात है, इसमें लिखी है जो बातों का क्रम है। पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आँखें, दूसरी बात है झूठ बोलने वाली जीभ और तीसरी है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? निर्दोष का लहू बहाना यानी मर्डर करना वाला बात तीसरा है, लेकिन दूसरा है झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाली जीभ मर्डर से भी पहले जो बात है घृणित, वो झूठ बोलने वाली जीभ है जिससे परमेश्वर को नफरत है। आज आप और मैं क्या सोचते हैं और क्या समझते और जानते हैं कि मर्डर करना, हत्या करना और बड़े बड़े अपराधों की हम सूची बनाए रहते हैं और उन्हीं पर हम सोचते हैं कि मैंने तो ये नहीं किया, मैं तो बहुत धर्मी मनुष्य, मैंने कोई बड़ा पाप नहीं किया। लेकिन यहाँ अद्भुत बात क्या है कि मर्डर से भी पहले जो बुरी बात है वह है घमंड से बड़ी चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीव। आगे की भी हैं 7, लेकिन मैं इसी बात पर ध्यान दिलाना चाह रही हूँ कि वचन हमें कह रहा है झूठ बोलने वाली जीव कोई छोटा अपराध नहीं है, जिसको आज आप और मैं बहुत ही दुखद स्थिति है। जब हम देखते हैं कितने लोगों को हम देखते हैं कितने आराम से ज़ुबान पे रखा रहता है झूठ, धड़ाधड़ निकलता रहता है। और क्या हमने सुना है, एक झूठ बोलता है आदमी तो उसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये तो एक मुहावरा है, कहावत है, लेकिन हकीकत ज़िंदगी में 100 झूठ नहीं, अनगिनत झूठ, और उसकी आदत ही हो जाती है वो ज़िंदगी भर झूठ बोलने की। मैं भी ऐसे लोगों को भुगत चुकी हूँ। 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं समझने में, जो हेलीलुया हेलीलुया प्रेज द लॉर्ड ब्रदर सिस्टर सब कुछ बोलते हैं, खरे वचन की बात, सेवकाई की बात बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन झूठ ऐसा रखा रहता है ज़ुबान पे, धड़ाधड़ कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, कभी उसके लिए। और प्रभु को जो नफरत है, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। ऐसा बात नहीं है कि मर्डर करने वाले से ही अधिक नफरत है और झूठ बोलने वाले से नहीं, ये सारे घृणित पाप, सारे घृणित पाप जिनसे प्रभु चाहता है आज हम फिरें। और सबसे पहली बात जो है घमंड से चढ़ी हुई आँखें, जब मनुष्य सोचने लगता है कि मैं ही कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, बहुत बड़ी अथॉरिटी हूँ मैं, अपना गुणगान गाने लगता है और भूल जाता है कि मेरी एक सांस भी जो चल रही है वो भी परमेश्वर की दया है, पता नहीं कल है या नहीं। वचन भी कहता है मनुष्य अपने मन में योजना तो बनाता है, लेकिन सारी बातें, सारी योजना परमेश्वर के हाथ में रहती है। तो आज हम इस बात पर गौर करें, प्रभु का वचन आपसे मुझसे क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, और झूठ बोलने वाली जुबान से जिससे प्रभु नफरत करता है उसका साथ कभी ना दें। जैसे यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, ना की ना हो। मिलावटी बातें नहीं, इसमें कोई सज्जनता और शिष्टाचार नहीं है कि हम हाँ 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 बोलते रहें हर चीज़ को, क्योंकि वचन से मिलावट नहीं की जा सकती, वचन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अति अति पवित्र वचन है। परमेश्वर आज के वचन से आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।